हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स से जो यूनिट्स हैं उनके द्वारा अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली जा रही है। अभी लेटेस्ट वैकेंसी निकल गई है द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावणकोर लिमिटेड, यानी फैक्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, इसके द्वारा निकाली गई है। इसमें बात करें तो आईटीआई के टोटल 11 ट्रेड्स के लिए वैकेंसीज है वो निकाली गई है। इसमें जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 20 मई 2024 रखी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करेंगे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर भी हम लगातार अपडेट आप तक पहुँचाते रहो। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फैक्ट के द्वारा निकाला गया था फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावणकोर लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, यहाँ पे इसके द्वारा निकाला गया था फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावणकोर लिमिटेड purposes to select eligible candidate as paid apprenticeship under the apprenticeship act 1961, यानी apprenticeship act 1961 के तहत यहाँ पे ये वैकेंसीज निकाली गई है। सबसे पहले पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 1 साल के लिए यहाँ पे रखा जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को मंथली स्टाइपेंड वो 7,000 रुपये पेड किए जाएंगे। क्वालिफिकेशन का ट्रेड की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन से नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, कारपेंटर, मैकेनिक, डीजल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिकल, पेंटर, कोपा और फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 60% मार्क्स वो होने जरूरी है आईटीआई, आईटीसी, एनसीबीटी अप्रूव्ड और 50% मार्क्स एससी एसटी के लिए एप्लीकेट है वो केरला का डोमिसाइल होना जरूरी है। वहीं कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे आपको डीओबी भी दी गई कि किसके बाद कैंडिडेट का जन्म नहीं होना चाहिए। ट्रेड्स की बात करें तो फिटर की 24 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 8 है, इलेक्ट्रिशियन की 15 है, प्लम्बर की 4 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 6 है, कारपेंटर की 2 है, मैकेनिक डीजल की 4 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 12 है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 9 है, पेंटर की 2 है और कोपा की यहाँ पे और फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की 98 वैकेंसीज है वो निकाली गई है। अब जो कैंडिडेट जिस ट्रेड से बिलोंग करता है वो उसी के लिए कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो www.fect.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 20/5/2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट को इसका प्रिंट आउट निकालना है और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी कॉपीज है वो अटैच करनी है। उसके बाद में इसको बाई पोस्ट भी भेजना जरूरी है सीनियर मैनेजर ट्रेनिंग फैक्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर उद्योगा मंडल में कैंडिडेट को भेजना। डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट के क्या क्या अटैच करने हैं ऑफलाइन जो डाक वो 25 मई 2024 से पहले पहले पहुंचने जरूरी, क्या क्या सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट को स्कैन करने हैं और अपलोड करने, तो 10th की पास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आईटीआई पास की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट कैंडिडेट को पेश करना, आधार कार्ड, डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट, यदि कोई फैक्ट एम्प्लॉय है तो डिसेबल पर्सन है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो करना है। कैंडिडेट के पास में ईमेल आईडी फोन नंबर होने जरूरी है क्योंकि फर्दर जो कोरेस्पॉन्डेंस है उसी पे किया जाएगा। कैंडिडेट उनका रजिस्ट्रेशन है वो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे होना जरूरी है, www.apprenticeshipindia.org के ऊपर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होना वो जरूरी है। कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है, कैंडिडेट ने जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पर यहाँ पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। 10th की क्लास है वो भी यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड है वो रखा गया है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको कैंडिडेट को अपने रेजिडेंसी प्रूफ के साथ साथ ज्वाइनिंग के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट पेश करने हैं, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो सारे पेश करने, एक सेट फोटोकॉपीज का, सारे डॉक्यूमेंट्स का 6 पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ है, रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, एनएपीएस रजिस्ट्रेशन की आईडी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट है और मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट को पेश करने जरूरी है। दोस्तों, कुल मिला के इसमें बात करें तो इसमें केरला के डोमिसाइल है वही एलिजिबल माने गए अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए।
रेस्ट ऑफ इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो केरला डोमेसाइल है वही कैंडिडेट इसमें अप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट करें। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।